Good morning, dear student. How are you? I hope you all are fine. As you know, we have finished our chapter 1 in our previous video. Today we are going to start your chapter number 2 in this video. So let's start. Before starting exercise 2.1, we should have to discuss about some important terms of linear equation of one variable. As you know, I have sent the PDF of algebraic expression. In this PDF, I have discussed about some very important terms of algebra. Okay, so now I am explaining about the linear equation of one variable. So first of all, I want to discuss about the algebraic expression. Algebraic expression, dear student, क्या होता है? ठीक है, algebraic equation क्या होता है? The statement of equality, the statement of equality of two algebraic expression is an algebraic equation. अब सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, इक्वल के इधर LHS साइड पर और RHS साइड पर जो कोई भी आपको algebraic expression दी हुई हो वो क्या होनी चाहिए? आपके इक्वल होनी चाहिए, दोनों आपस में बैलेंस होनी चाहिए, वही क्या होंगी? आपके इक्वेशंस होंगी. सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. ओके, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वन वेरिएबल यानी उसके अंदर वेरिएबल क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए. ओके, और लीनियर मीन्स उसकी पावर भी वन ही होनी चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए. जैसे आप देखो 7x+4, ये क्या है? हमारी एक लीनियर इक्वेशन है. इक्वल टू ज़ीरो कर दो, ये हमारी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है. ओके, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है. ओके, और आप देख सकते हैं कि इसकी पावर कितनी है वेरिएबल की? वन है, टू नहीं है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? एक हमारी लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है. अगर यहाँ पर आपके 2x² + 4 = 0 हो जाए तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल नहीं है. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, हमें जो इसकी सॉल्विंग की बात करते हैं, इक्वेशन सॉल्विंग की. कि इक्वेशन हमारे सॉल्व होती है तो उसका मतलब क्या होता है? कि जब इक्वेशन हमारे सॉल्व होती है तो हम क्या करते हैं? उसमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं? वैल्यूज़ फाइंड आउट. जैसे आपके देखो 2x - 3 = 0, ये आपकी इक्वेशन है. आप क्या करेंगे? किसी भी तरीके से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वही होगा हमारे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. ठीक है, देखो, और ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं. जैसे देखो, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की. इसके मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 3/7 + x = 17/7. ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स इसको सॉल्व करना है. देखो, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको यहीं रोक लो और जो बाकी सब है उनको उधर शिफ्ट कर दो. ओके, तो आप देखो 17/7 ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा. 3/7 एलसीएम लो, एलसीएम हो जाएगा आपके 7, तो 17 - 3 = 14/7. इट मीन्स कट हो गया 2 टाइम. इट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्स. एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं अगर 2 को, तो आपका आंसर यही आ जाएगा. ओके, देन हम बात करते हैं आर क्वेश्चन नंबर 12 इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 2.1. x/3 + 1 = 7/15. ओके, देखो कैसे करते हैं. सिंपल सी बात है,
x अपॉन 3, x वाली टर्म्स को इधर रोक दो और जो आपकी कॉन्स्टेंट टर्म है विदाउट x वाली उनको एक साइड शिफ्ट कर दो। तो 7 अपॉन 15 तो ये है ही सही, 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। देन आप क्या कर सकते हैं, x अपॉन 3 इक्वल टू, इधर क्या लिया हमने LCM ले लिया है, 15 हमारा LCM आया तो ये आएगा आपके 7 माइनस 15, इनको सॉल्व करो तो x अपॉन 3 इक्वल टू 15 में से 7 माइनस होंगे तो व्हाट विल बी द रिमेन, माइनस 8 अपॉन 15। ओके डियर स्टूडेंट, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इनको करेंगे। ओके तो ये हो गया आपके 15x इक्वल टू माइनस 8 इंटू 3। ओके और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस 15 को आप डिवाइड में शिफ्ट कर दो, माइनस 8 इंटू 3 अपॉन 15, इससे ये कट हो गया 5 टाइम, तो योर आंसर विल बी माइनस 8 अपॉन 5, दिस इज आर आंसर। सो डियर स्टूडेंट, इस मेथड से हम हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके देखो अब मैं आपके सामने एक और इसका क्वेश्चन कर लेता हूँ। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज 14y माइनस 8 इक्वल टू 13, इसकी हमें y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करनी है, 14y क्या करेंगे हम, वेरिएबल वाली टर्म को यहीं छोड़ देंगे और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको आप क्या करो शिफ्ट कर दो, ये हमने शिफ्ट कर दिया है। ओके ये नेगेटिव थी उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएंगी, तो 14y इक्वल टू इनको ऐड करो 21, ठीक है तो y इक्वल टू आपके 21 तो है ही सही, अपॉन में क्या आया 14, 7 से कट करो तो ये आया 3 टाइम और ये आया आपके 2 टाइम, दिस इज योर आंसर। सो डियर स्टूडेंट ट्राई द रिमेनिंग क्वेश्चन एंड सॉल्व देम। ओके एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।